बड़ी गुड न्यूज़ है, फाइनली 3 दिन के बाद आज NH44 जम्मू श्रीनगर हाईवे ओपन हो चुका है। तो ये लोग काफ़ी लकी हैं जो अभी जा रहे हैं। ये देख सकते, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ व्हीकल्स रुकी हुई हैं। तो ये आ जाता है नाका, रामन वाला नाका आ जाता है जो कि कऊ बाग से पहले आता है। पंजाब नंबर की गाड़ी और कुछ ट्रक्स यहाँ पे रोके गए। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है वीडियो में, नए व्लॉग में। तो फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पे चैनल को क्या करना है, सबसे पहले आपने तो वीडियो को शेयर करना है और चैनल को फॉलो कर दे, पेज को फॉलो कर दीजिए। यूट्यूब पे चैनल होगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, या यूट्यूब पे होगा बेगर ब्लॉग्स करके चैनल और फेसबुक पे शिवम एसआर। तो अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं थोड़ा सा रामन से आगे, शेरी वाली साइड जा रहे हैं। तो वही वाली साइड दिखाने वाला हूँ मैं आपको जहाँ पर रोड बंद है। और यहाँ पे ओ माय गॉड, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी पत्थर चल पड़े हैं यार, पूरे के पूरे रोड में गंदे सीन है। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बट आज रोड तो बंद है। मतलब ट्रैफिक पुलिस ने कल रात को ट्रैफिक एडवाइजरी दी थी कि 11 जुलाई को रोड बंद रहेगा, हो सकता है कि 12 जुलाई को खुल जाए, बट हमको सबको लग रहा था कि 11 जुलाई को खुल जाएगा। अगर आज रोड नहीं खुला ना तो कल खुलने ही वाला है। ये देख सकते हैं ये सब लोग फंसे हुए हैं, 3 दिन से रोड बंद है यार, मतलब मजाक नहीं हो रहा है, 3 दिन से रोड बंद है। आगे चलते हैं, आगे देख सकते हैं क्या तबाही है। ये देख सकते हैं रोड की हालत, और यहाँ पे रोड पूरा बंद है। अब हम कहाँ पे पार्क करें? तो ये आप देख सकते हैं गाड़ियाँ रुकी गई हैं, और ये अभी हम पहुँच चुके हैं शेरी वाले एरिया में। ये देख सकते हैं ये वाला रोड क्लियर किया गया, उस वाली साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, आपको आगे चल के मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं शेरी में जहाँ पे रोड बंद था अभी फ़िलहाल तक, बट अब भी कुछ गाड़ियों को निकाला जा रहा है, कुछ आर्मी के व्हीकल्स हैं और कुछ ये डंपर वगैरह हैं, वो अब मैं आपको आगे चल के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं तो बाकी अभी जो श्रीनगर वाली गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे रुकी हुई हैं, आगे आप देख सकते हैं। ठीक हो, आपकी वाली जो गाड़ियाँ हैं वो लाइन अप पे हैं, सेंटर में गाड़ी ना खड़ी करें, डैम्पर्स को रास्ता दे दें। तो ये देख सकते हैं ऊपर वाली लाइन रोकी गई है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे अपना काम कर रही है। आगे चल के मैं एरिया दिखा देता हूँ आपको। बाकी ये देख सकते हैं गार्डर्स रखे गए हैं, आगे यहाँ पे आपको पुलिस आर्मी देखने को मिलेगी। तो कुछ व्हीकल्स जो कि 5 से 10 थी उस साइड जो फंसी हुई थी वो उनको भी क्रॉस किया गया, जो कि आर्मी की थी और कुछ डंपर्स वगैरह थे। बाकी बात कर लें, 3 दिन से रोड बंद है यहाँ पे, कोई मीडिया वगैरह नहीं आया, जो भी सेंटर का मीडिया रहता है जी न्यूज़ आज तक वो नहीं देखने को मिले। साथ ही में बात कर ले जो कि हमारा स्टेट वाला मीडिया JK मीडिया टेक वन मीडिया, वो सब भी कोई भी देखने को नहीं मिले। हालांकि 3 दिन से रोड बंद है, आशीष कोहली जी, महेंद्रजीत सिंह जी, बाकी TSL वाले, न्यूज़ वर्स इंडिया, कोई भी यहाँ पर साइट पर नहीं आए। 3 दिन से हाईवे बंद है, कोई मजाक तो नहीं है, और हम ही यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये देख सकते हैं गाड़ी रुकाएगी, पीछे तो काफ़ी ज़्यादा लेन है, वहाँ पीछे से आगे नहीं आने दिया जा रहा है गाड़ियों को। तो कुछ गाड़ियाँ जो आगे आ चुकी हैं उनको यहाँ पे रुकाया गया है, बाकी गाड़ियों को पीछे ही रुकाया गया, और भी पीछे जगह जगह रुकाया गया है, चंद्रकोट में, करोल में, आगे पीछे। तो बाकी बात कर ले, ट्रैफिक पुलिस ने शाम को ट्रैफिक एडवाइजरी निकाली थी जिसमें उन्होंने बताया कि आज रोड बंद रहने वाला है 11 जुलाई को, बट हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 11 को रोड खुल जाएगा, बट समझो रोड खुल ही गया। ट्रैफिक पुलिस ने शायद से इस वजह से कहा था कि ताकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम वगैरह नहीं हो जाए। तो अगर आप अभी नहीं निकले, आज नहीं निकले, कल ट्रैवल करें या कल के बाद ट्रैवल करें, आज मैं आपको रोड की हालत दिखा देता हूँ क्या रहने वाली रोड की हालत। ये नीचे वाला रोड रहने वाला है, ये ऊपर वाला रोड नहीं, इसको कटिंग करके और पीछे आ गया, ऐसे वो पीछे वाला रोड था। तो चलते हैं अभी और आगे। तो बाकी मैं मीडिया की बात कर रहा था, जैसे जो अपने स्टेट वाले हैं JK मीडिया, आशीष कोहली जी, महेंद्र सिंह जी, न्यूज़ वर्स वाले और TSL वाले,
भाई साहब वो जम्मू में क्या दिखा रहे हैं, वो खाली यही दिखा रहे हैं, गाड़ियों के बम्पर बज रहे हैं, बाइकों का चलान हो रहा है, बस वो सब कवर कर रहे हैं, जो कवर करने वाली चीज़ है उसको कवर ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे चल के, काफ़ी ज़्यादा भाई लोग फंसे हुए थे, कमेंट्स कर रहे थे, जिस वजह से हमको खुद ही यहाँ पे आना पड़ा। बाकी साथ में वो देख सकते हैं चनाब, चनाब का फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, द्रव्य ख्याल है देखो, तो अब चनाब का फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। आगे हम आपको चल के दिखा देते हैं, पूरी नेशनल हाईवे की टीम यहाँ पे है, जेके पुलिस भी यहाँ पे, आर्मी भी यहाँ पे। तो अभी देख सकते हैं अभी यहाँ पे भी किसी गाड़ी को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो ये देख सकते हैं। तो इस वाले रोड में अभी अभी रोलर चला हुआ है, इस वाली जगह पे ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है, सामने वाली जगह पे ब्लैक टॉपिंग हुई हुई है, यहाँ पे गार्डर्स भी रेडी पड़े हुए हैं। तो कुछ गार्डर्स आपने मेरी पहली वाली वीडियो में देखे होंगे, वो वहाँ पीछे ना, वहाँ पे जब चनाब का फ्लो काफ़ी ज़्यादा था, वो चनाब के साथ ही बैग हैं, कुछ रह चुके हैं। बाकी ये देख सकते हैं ये रोलर, वो ब्लैक टॉपिंग अभी भी हुई है, तो अभी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे, बट जैसे कि ट्रैफिक पुलिस ने कहा था कि 12 को छोड़ देंगे, बट आज भी काफ़ी गाड़ियां छोड़ देंगे, जो भी यहां पे फंसी हुई है ना आसपास, जो आपने देखी पीछे रुकाई हुई थी, एक घंटे के अंदर उनको यहां से छोड़ दिया जाएगा पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी अभी ब्लैक टॉपिंग हुई हुई है, ये देख सकते हैं। असली में जो रोड बहा है ना वो इसके उस साइड था, तो ये वाला अभी नया तैयार हुआ है, दो दिन के अंदर पहले जो है, पहले यहाँ पे पेंठियाल वाला हमारा रोड गिर गया, उसको भी जल्दी से जल्दी, उसको वो कल शाम को रेडी कर दिया गया था, बट इस वाले रोड में काफ़ी ज़्यादा काम बाकी था, ये देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हाईवे ओपन हो चुका है, गाड़ियाँ अभी चल पड़ी। खुशम भैया कैसे हो, तो ये देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप रोड ओपन हो चुका है, ये पहली गाड़ी जाती हुई पुलिस की कॉनवाई के साथ, ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, फाइनली 3 दिन के बाद आज NH44 जम्मू श्रीनगर हाईवे ओपन हो चुका है, तो ये लोग काफ़ी लकी हैं जो अभी जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो वो देख सकते हैं साथ में चनाब, और वो जो रोड गिर गया वो इसके साथ में था, इसलिए पुलिस वाले पीछे रास्ता क्लियर करा रहे थे, क्योंकि वहाँ से कॉनवाई आ रही थी ना, अब जो श्रीनगर से जम्मू वाले हैं इनको पहले निकाला जाएगा, फिर जो वहाँ से उस साइड से कॉन्वॉय आएगी उनको निकाला जाएगा। तो ये देख सकते हैं SRTC की बसेस, तो ये देख सकते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस ने जो एडवाइजरी दी थी कि काउन ने कहा था कि 12 जुलाई को रोड ओपन हो जाएगा, बट मैंने आपको पहले भी बताया था कि 11 तक ओपन हो जाएगा, और फाइनली आज 11 जुलाई और रोड ओपन हो चुका है, ये देख सकते हैं आज दिन को ही 11 जुलाई को रोड ओपन हो चुका है, तो काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। तो जितने मेरे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स आना चाहते थे आप बेझिझक आ सकते हैं, खाली इस साइड वाली ये जो दीवार है मेरे को अभी भी लग रहा है ये खिसकेगी, ये जो मिट्टी है ना ये बाद में घिर ही सकती है, बट इसका ज़्यादा इशू नहीं है क्योंकि इसमें पत्थर नहीं है, बट अगर कुछ सेफ्टी वॉल टाइप जैसे उस साइड है, इस साइड भी हो जाती तो काफ़ी बढ़िया हो जाता। तो ये देख सकते हैं, तो ये पूरी दीवार को काट के यहाँ से रोड बनाई गई है, जो पुराना वाला रोड था वो नीचे से था वो बह ही गया है, तो ये देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे अभी अभी ब्लैक टॉपिंग भी हुई है और गाड़ियाँ भी चल पड़ी हैं, ये देख सकते हैं, और उस वाली साइड में खाली रोड रोलर्स लाया। तो काफ़ी खुशखबरी है, जितने भी मेरे यात्री भाई फंसे हुए थे, अमरनाथ जाना चाहते थे, कुछ उस साइड फंसे थे वापस जाना चाहते थे, मेरे को डेली पूछ रहे थे कब खुलेगा, मैं उनको खुद से कह रहा था कि 11 जुलाई को खुल जाएगा। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने कहा था 12 जुलाई को, बट काफ़ी बढ़िया काम हुआ है 2 दिन में यहाँ पे, और काफ़ी जल्दी मतलब कि आज से 11 जुलाई को ओपन कर दिया गया। इस वाले एरिया में देख सकते हो ब्लैक टॉपिंग भी हुई है, ये देख सकते हैं। वैसे हमारी टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी, काफ़ी टाइमिंग सही थी,
यहाँ देख सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, फेसबुक पे शेयर कर दो। और अभी तक मेरे चैनल को क्या कहते हैं सब्सक्राइब नहीं करा है और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करा है, तो फेसबुक पेज को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये अभी हम शेरी में, जहाँ पे दो दिन में रोड का काम हो गया और NH 44 जो है 3 दिन से बंद था। ये देख सकते हैं SRTC की बसेस भी जा रही है यहाँ से। तो भाई जैसे ही आपका भाई आया साइड पे, रोड ही ओपन हो गया जैसे ही मेरे कदम पड़े, तो बस देख सकते हैं। तो ऐसे ही अमरनाथ यात्री जितने भी, मैंने कहा था कि भोले बाबा से प्रे करो रोड ओपन हो जाएगा, तो रोड ओपन हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा दुनिया खजल थी, ये देख सकते हैं पैदल जा रही थी, काफ़ी लोग पीछे फंसे हुए हैं। अभी जो गाड़ियाँ पहले की फंसी हुई हैं वो निकलेंगी, बाकी गाड़ियों को बाद में छोड़ा जाएगा। ये देख सकते हैं चल रही है रिपोर्टिंग। ये देख सकते हैं गाइस, तो ये है नेशनल हाईवे 44 जम्मू श्रीनगर हाईवे। तो उस वाली साइड पे देख सकते हैं वहाँ पे जो है लुक नहीं पड़ी, अगर वहाँ पे भी ब्लैक टॉपिंग हो जाती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं डस्ट कितनी ज़्यादा है। ये देखो यात्री, अमरनाथ यात्री जो फंसे हुए हैं, काफ़ी दिनों से फंसे हुए थे पीछे वापस जाते हुए, ये देख सकते हैं। बाकी धूल इतनी ज़्यादा है, ये देख सकते हो। तो आगे डस्टी डस्ट है, तो और ये जो गाड़ियाँ फंसी हुई है, जब वहाँ से यात्रा वाली जो वापस जा रही है कौन भाई, वो जब ख़त्म हो जाएगी फिर इस साइड से छोड़ा जाएगा। ये देख सकते हो ऊपर वाली साइड में रोकेगी। और मैं आप, इतनी ज़्यादा डस्ट है यहाँ पे, मैं आपको कपड़ों की हालत दिखाता हूँ आगे चल के, वीडियो में ऐसे ही बने रहे। धोए हुए कपड़े पहने थे, धोए हुए, ये हालत हो गई 2 मिनट में भाई साहब। देखो आपको चेक करवाता हूँ हालत, ये अपनी एंटोर, ये देखो, ये देखो, क्या कर सकते हैं आपके लिए, इतना तो बनता है यार। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई सी जगह पे। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दीजिए।